अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपके रिस्क में कसीर बरकत फरमाए। इस दुआ के साथ वीडियो का आगाज़ करते हैं। अगर चैनल पसंद आता है तो उसको लाइक सब्सक्राइब कर लिया करें। और तबीयत भी नासाज है और आज आप हमने ये बेबी सूट बच्चे का, ये 5 दिन का बच्चा है, उसका हम सूट आपको बना के दिखाएंगे। ये आस्तीने हैं उसकी। अच्छा, अब ये ट्रोज़र है, ये देख सकते हैं। अच्छा, ये बाबा का सूट हम आपको बना के दिखा रहे हैं और आप भी घर में बैठ के बना सकते हैं, क्योंकि अगर ये इतना सा सूट किसी टेलर को देंगे तो वो सिलाई तो बहुत ज़्यादा लेगा और मिठाई लेगा आपसे ना सिलाई की। वो ऐसे सूटों की सिलाई के पैसे ज़्यादा लेते हैं टेलर, तो ये आप घर में बैठ के सी सकते हैं। हम पहले ट्राउज़र बनाना सिखा रहे हैं आपको। आपने क्या करना है, इसमें बुकरम नहीं लगानी। ये ट्राउज़र के पाँच हैं, ये देख सकते हैं। इसको आपने ऐसे मोड़ना है, ये एक सिलाई से, और आपने यहाँ पर ऐसे सिलाई लगा लेनी है बूट की। ये देख सकते हैं हमने सिलाई लगा ली। आपने क्या करना है, इधर से ये पाँचा पकड़ के इसको आपने ये सिलाई लगा लेनी है। ये 4 इंच का पाँचा है, ये देख सकते हैं, ये ऐसे सिलाई लगा लेनी। ये जी नाली की सिलाई लगा दी है। अब आपने क्या करना है, ये दोनों को ऐसे मिक्स, ये इधर पकड़ना है ऐसे करके, फिर आपने ये सिलाई लगा लेनी है। ये चूड़ियाँ बना लेनी है आपने, ये देख सकते हैं। ये छोटा सा नेफा बना ले, यहाँ लास्टिक डल जाएगी अंदर। ये देख सकते हैं ये नेफा बन रहा है छोटा सा। ये आपने ऐसे सिलाई लगा लेनी है नेफे की। ये ट्रोज़र तैयार हो गया है, आप देख सकते हैं। ये अब्बासी क्रिएशन में जो है ना हर वो चीज़ सिखाई जाती है। आप देखें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ये ट्रोज़र हमने आपको बना के दिखा दी। अब इसकी कमीज़ दिखा रहे हैं आपको, ये देख सकते हैं। ये ट्रोज़र हमने बना दी है छोटा सा बाबा का। ये इसको हम रख रहे हैं। अब आपको आस्तीने बनाना सिखा रहे हैं। आपने क्या करना है, इसके आस्तीने उठाने, याद रहिए तो इसमें बुकरम यूज़ नहीं होती, क्योंकि बच्चे की जिल्द कमज़ोर होती है बहुत ज़्यादा। सिलाई लगा लेनी है बूट की, जैसे मैं लगा रहा हूँ, ये देख सकते हैं। आपने ये फ्रंट उठा लेना है। फ्रंट उठा के ये कुट के लगे हुए होते हैं, कुटों वाली जगह से ना आपने ऐसे इसको बारीक इसके चाक मोड़ लेने हैं, जैसे ये मैं मोड़ रहा हूँ, ये देख सकते हैं। ये चारे चाक आपने ऐसे मोड़ लेने हैं। अमन भी आपने क्या करना है, इसको ना ये बूट की सिलाई से ये मोड़ लेना है, आप देख सकते हैं वीडियो में। अच्छा, आपने क्या करना है, चैनल का साथ दें। हमारे एक तो व्यूज नहीं बढ़ रहे और हम मेहनत बहुत कर रहे हैं आपको सिखाने के लिए, भी बहुत कोशिश कर रहे हैं। आप अपने दोस्तों से रिक्वेस्ट करें तो इस चैनल का साथ दें। अब आपने क्या करना है, इसको ये शोल्डर को इसके साथ जोड़ देना है, ये देख सकते हैं। ये मैंने जोड़ दिए हैं, ये देख सकते हैं। ये आपने इसका ये देख लेना, ये देखें, ये गुलाई वाली आस्तीन होती हैं, ये बैक फ्रंट पे आती है, ये बैक पे आती हैं। अच्छा, ये आस्तीन इस साइड की नहीं है, ये आस्तीन इस साइड की है, ये देख सकते हैं। अब आपको हम आस्तीने लगाना सिखा रहे हैं। आपने क्या करना है, इसको ऐसे रख लेना है, ये आपने आस्तीन ऐसे लगा लेनी है, ये कुट का, और ये इसको आपने मिला लेना है, ये देख सकते हैं। वीडियो हम रोक नहीं रहे हैं, आपको हर चीज़ दिखा रहे हैं जो आप खुद सीखें।
बाबा का सूट, बेबी का सूट, इंशाल्लाह आपको बच्चों के फिराके वगैरह भी सिखाएंगे। आपने इसको ऐसे हल्का हल्का खींच के ये देख सकते हैं, ये आस्तीन मैंने लगा लिए, ये देखें। अब दूसरी आस्तीन आपने क्या करना है, यहाँ से उठाना है इसको, यहाँ पर ऐसे ले जाना है, फिर आपने ये सिलाई लगा लेनी है, ये देख सकते हैं। इसको आपने यहाँ फोल्ड कर लेना है ऐसे, ये देख सकते हैं जैसे मैंने फोल्ड किया हुआ। इसमें हम बुकरम यूज नहीं कर रहे क्योंकि बच्चे का ये, अच्छा गले में हम कुर्ता पट्टी बनाएंगे ना, गले में फालिस लगाएंगे, आपने ऐसे एक आड़ी फालिस काट लेनी है इतनी चौड़ी। ये बटन देख हमने बना लिए, ये पट्टी है फ्रंट की, लगा के दिखा रहे हैं क्योंकि जेंट्स की बटन देखिए इस साइड से लगती है, ये देख सकते हैं। ये देख सकते हैं ये बटन टेक लगा रहा हूँ मैं, आपने ये निकाल लेनी है। ऐसे रख लेनी है, ये देख सकते हैं जैसे मैंने रखी हुई है। आपने ये कंकर की सिलाई से ये पट्टी लगानी है, ये ऐसे देख सकते हैं, ये सीधी आपने ले जानी है और यहाँ से ये ठोका बना लेना है आपने। आप घर में बैठ के आराम से सीख सकते हैं, बना सकते हैं अपने बच्चों के, और थोड़ा टाइम दें तो और सीख के अपने लिए कमा भी सकते हैं आप। ये ठोका बन गया है, ये देख सकते हैं, आप फालिस लगाना सिखा रहे हैं आपको, ये बन गया। हमें क्या करना है, इसको ऐसे रख के ये बूट के फालिस लगा लेनी है, आ रहा हूँ, ये देख सकते हैं, ये ऐसे। ये देख सकते हैं ये ऐसे आपने ये सिलाई लगा लेनी है। अब आपने क्या करना है, इसको ऐसे पलटी करना है, फिर आपने इसके ऊपर कंकर की सिलाई लगा लेनी है जैसे मैं लगा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। ये देख सकते हैं ये सिलाई लगा रहे हैं हम, देख लेंगे। आप क्या करना है, ऐसे बूट की सिलाई ऐसे लगा लेंगे, ये देख सकते हैं ये लगा रहा हूँ मैं। ये देख सकते हैं ये सिलाई ये चल रही है। अब हम इसके साइडे बंद करेंगे और इसके काज करवा के आपको दिखा देंगे। बाबा का सूट तैयार हो चुका है, ये देखें फालिस भी लग गई है इसकी, इसकी साइडे बंद कर लेनी है यहाँ पर ऐसे, ये ऐसे सिलाई लगा लेनी है आपने। दूसरी साइड पे भी आप
आप सिलेक्ट करा सकते हैं इसे। ये दूसरी सेट की सिलाई है, देख सकते हैं। हम काट की दुकान पे आए हुए हैं, ये कुर्ता लेके छोटा सा अभी इसके काट बन रहे हैं, ये देख सकते हैं। अच्छा, हमने इस पे रेड धागा लगवाया काट पे, अभी इसी पे हम रेड लगवाएंगे, ये देख सकते काट बन गए, बटन लग रहे हैं, ये देख सकते हैं आप। जी हम अब इसको इस्त्री लगा रहे हैं बाबा सूट को छोटा, ये हमारे पास सिलने आया है, ये कस्टमर का सूट है, ये देख सकते हैं। और अल्लाह पाक ये जिस बच्चे का सूट है उसको ये लंबी उम्र दे और तरक्या और अरूज दे, अपने माँ बाप का फर्मा बरदार बने ये बच्चा, और अल्लाह पाक इसकी तालीम में भी बरकत अदा फरमाए, आमीन इंशाल्लाह। और तमाम बच्चों पे रहमत की नज़र करे, जो बे औलाद हैं उनको भी अल्लाह पाक नरीना औलाद दे, ये देख सकते हैं जी। और ये हमने दिल से बनाए ये पीस छोटा सा, ये बन गया जी, ये इस्त्री हो गया, अब इसका ट्राउज़र आपको इस्त्री करके दिखा रहे हैं, देख सकते हैं ये ट्राउज़र भी, इस पर इस्त्री क्या लगाना है, छोटा सा तो है इस्त्री जितना तो ये खुद है। अच्छा, चैनल पसंद आते तो उसको लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को कर दें, नेक्स्ट अच्छी वीडियो के साथ हाजिर होंगे, ये देख सकते हैं जी। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखें।